नमस्कार, माय नेम इज अंकित एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू टॉपिक्स. नाउ दिस सेशन वी आर डिवाइडेड इनटू टू टॉपिक्स. इन द फर्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट बिहार फ्लड्स एंड इन द सेकंड सेशन वी विल टॉक अबाउट डिफॉरेस्टेशन व्हिच हैज पार्शियली हैज हैपेंड इन वर्धा एंड व्हिच इज प्रपोज्ड टू हैपन इन नियर फ्यूचर इन वर्धा. सर, टू टॉक अबाउट बिहार फ्लड्स we have our eminent panelist Mr. Mahendra Yadav. Now to introduce Mr. Mahendra Yadav, Mr. Mahendra Yadav has been working for social and environmental causes since 2003. Ve 2003 se samajik aur pravaran karya mein sakriya hai. He is an RTI activist, jan sanchar suchna mein kafi active hai. And 2008 se ye koshi mein jo baad prabhavit लोग हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं. एंड इसी के उद्देश्य के पूर्ण हेतु उन्होंने कोशी नव निर्माण मंच की स्थापना करी है. ये नेशनल अलायंस फॉर पीपल मूवमेंट के नेशनल कन्वीनर भी. नाउ टू स्पीक ऑन द सेकंड टॉपिक दैट इज वर्धा डिफॉरेस्टेशन, हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर युवराज गटकल. मिस्टर युवराज गटकल इज अ स्टेट कन्वीनर ऑफ NAPM महाराष्ट्र. He has working for social and environmental causes. He is a Gandhian and he believes in propagating Gandhi principles. And ये विश्व बचाओ नागरिक समिति में काफी सक्रिय है. मैं दोनों पैनलिस्ट का आभार प्रकट करता हूँ कि आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं. धन्यवाद युवराज जी, आपको भी नमस्ते और जो साथी देख रहे हैं सभी को एक बार नमस्ते. युवराज जी, मैं आपके साथ बाद में जुड़ूंगा, पहले हम डिस्कस करेंगे बिहार फ्लड्स के लिए. एंड टू स्पीक मोर अबाउट बिहार फ्लड्स, आई थिंक वी शुड फर्स्टली लुक एट द टॉपोग्राफी ऑफ बिहार. एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू शेयर द मैप ऑफ बिहार. कैन एवरीवन सी द स्क्रीन? आप सब स्क्रीन देख सकते हैं जी. हाँ जी, तो ये है हमारा प्यारा भारत. एंड यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न में आप देख सकते हैं बिहार. नाउ बिहार इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री. ये आपको देखेंगे उत्तर में नेपाल है, वेस्ट में उत्तर प्रदेश है, साउथ में झारखंड है एंड ईस्ट में आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल आ जाता है. नाउ बिहार इज अ वेरी ब्लेस्ड स्टेट, मैं ये कहूंगा, बिकॉज आप देख रहे हैं गंगा जी यहाँ से आ रही हैं और एक बिहार को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं. आपको गंगा जी बिहार को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. जो पार्ट इस गंगा जी के ऊपर में है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ बिहार एंड गंगा जी के नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं साउथ बिहार. एंड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो तीन रिवर्स आ रही है नेपाल से. ये है घगारा रिवर एंड ये है कोशी रिवर. नाउ बिहार की बात करी जाए तो उसमें कुल मिला के 21 नदियों का संगम है बिहार. और मैं कहूँगा बहुत ही ब्लेस्ड स्टेट है बिकॉज इसकी जो मिट्टी है इतनी फर्टाइल है कि इट इज आइडियल कंडीशन टू ग्रो राइस, टू ग्रो मेज, टू ग्रो पैडी एंड वेजिटेबल. ये कहने के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि हर साल कम से कम नॉर्थ बिहार का 75% एरिया, 75% एरिया बाढ़ से संक्रमित होता है. और इसके बारे में हमें और प्रकाश डालेंगे हमारे साथ जुड़े हुए मिस्टर महेंद्र यादव जी. तो महेंद्र यादव जी, मैं आपसे पहला प्रश्न करना चाहूंगा कि ये जब बिहार की बात करी जाए तो हर साल यहाँ पे बाढ़ आता है, इसका मेन रीजन क्या है? बिहार में हर साल बाढ़ आती है, ये बात सही है. और अभी भी इस साल भी बिहार में बाढ़ आई हुई है और इस साल भी 83,62,451 लोग बाढ़ प्रभावित हैं, 130 प्रखंड या ब्लॉक जो बोलते हैं और 1,333 पंचायतें बाढ़ से त्रस्त हैं. और उसमें कहिए 27 लोगों की जाने गई हैं, 88 पशु मरे हैं और लाखों लाख की आबादी बड़ी पीड़ा त्रासदी और पानी से गुजर रही है. एक भयावह स्थिति है कि इस बार भी बिहार के 16 जिलों में भयानक रूप से बाढ़ है.
ये बाढ़ ऐसे नहीं है, तटबंध कई जगह टूटे हैं, अभी पानी की निकासी सभी जगह से नहीं हो पाई है, कुछ जगह से निकला है और सरकार इसके लिए कुछ कुछ जो कर रही है। ये मैं आंकड़े जो रखा वो सरकारी आंकड़े थे। आपका सीधा सवाल था कि इन बाढ़ का कारण क्या है, तो बाढ़ का एक हम देखेंगे, थोड़ा इसके लिए समय लगेगा समझने में कि जब प्रकृति में नदियां हमें गिफ्ट में मिली हैं और नदियां जो भी हैं वो जल निकासी करती हैं या ड्रेनेज सिस्टम है अंग्रेजी में कहिए तो एक प्रकृति प्रदत्त है, इसलिए वर्षा होती है, वर्षा होती है तो पानी को निकलने का रास्ता चाहिए, तो नदियों के माध्यम से वो समुद्र में जाके पानी मिलता है। तो ये बाढ़ हमेशा आता रहा है और बाढ़ आने के कारण ये भौगोलिक कारण है इसका एक भाग, और इसको इसीलिए गंगा का क्षेत्र बना है, यमुना का मैदान बना है। तो हम अगर इसको पार्ट वाइज में करना चाहें तो अभी की जो बाढ़ है वो भयावह हो गई है, बहुत नुकसानदेह हो गई है, और थोड़े समय की बाढ़ नहीं होके एक लंबे समय तक टिकने वाली बाढ़ हो गई है। तो इसलिए जब इसका विश्लेषण हम करते हैं तो इसको दो रूपों में देखते हैं। पहला कि एक नेचुरल जो बाढ़ होती है, वर्षा होती है, पानी आता है, पानी आया एक दो दिन रहा और निकल गया। दूसरा कि मानव ने जो विकास की संरचनाएं बनाई हैं उसके चलते बाढ़, और वो बाढ़ को थोड़े समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या इसके क्यों आती है बाढ़। तेज वर्षा होती है, नदियों का तल ऊंचा हो गया है, सरकार ने नदियों के बाढ़ रोकने के लिए तटबंध बनाया, तटबंध टूटते हैं, तटबंध के बाहर के क्षेत्र जल भराव के चलते जब स्लुइस गेट काम नहीं करते हैं तो बाढ़ आती है, तटबंध के बीच में हर साल बाढ़ आती है, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो तटबंध के अलावे कुछ और संरचनाएं बना दी जाती हैं तो उसके चलते बाढ़ आती है। जब बाढ़ आती है तो पानी निकल नहीं पाता है, पानी के निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, इसलिए लंबे समय तक टिकता है। तो वो सभी संरचनाओं को देखें और हमारी जो बस्तियां हैं, मानव समुदाय जहां बसा है, वो नदी और वो किनारे और ज्यादा वो त्रासदी झेलता है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो ये इसको तीन भाग में बांट सकते हैं, प्रकृति को और मानव कृत को, ये दो भाग हुए। मानव ने जो काम किए हैं जिसके चलते बाढ़ बढ़ी है, तबाही बढ़ी है, उसको तीन भाग में बांट सकते हैं मोटे मोटे तक। तेज वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है, क्यों होती है? पहला कि ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, दूसरा कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो हम लोगों ने जो विकास का नजरिया अपनाया है तो वो उसको भोगना है, उसके लिए हमारी तैयारी क्या है। दूसरा जब अति होता है, हमने विकास की अंधक दौड़ में पेड़ों को डिफॉरेस्टेशन शुरू कर दिया, तो पानी के बहाव के चलते, तेज बारिश के चलते सिल्ट और गाद आता है, और गाद और सिल्ट आने से नदियों के तल में थोड़ा ऊंचा होता है, पानी फैलता है, तो एक वो जो पहले मैदान बनने की प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया और ज्यादा तेजी से होती है और वो नुकसानदेह है। हमने नदियों को क्या किया, बाढ़ नियंत्रण के नाम पर हमने तटबंध बना दिया, कोसी में तटबंध बने हैं, गंडक में बने हैं, कई नदियों पर बने हैं, अभी भी बागमती पर बने हैं, और उसका विरोध होता रहा, समाज विरोध करता रहा। तो सरकारों ने क्या किया कि एक तटबंध बना दिया, और केंद्र सरकार और कई राज्य की सरकारों ने गंगा में फरक्का बराज बना दिया। और फरक्का बराज जब बनता है तो वो बराज के चलते गंगा से जितनी मिलने वाली सहायक नदियां हैं, जिसका नजदीक में संगम होता है, उन सारी नदियों में उत्तर बिहार के जो पानी निकलने का जो स्पीड में जाता था वो कम हो जाता है, नदी का रिवर रेट थोड़ा ऊंचा होने लगता है और सिल्टेशन होता है, हल्का भी सिल्टेशन से इधर, तो वो पानी धीरे धीरे नदी का पानी गंगा में संगम करता है। तो इसके चलते जब धीरे से आएगा तो पानी उधर बढ़ेगा, और बैक वाटर बढ़ेगा तो उधर बाढ़ आएगी, तो इधर बाढ़ आएगी। दूसरा, जब तटबंध बन गए तो तटबंध के अंदर हर साल बाढ़ आती है। कोसी का मैं उदाहरण दूं, हर साल बाढ़ आती है। तटबंध के दोनों किनारों पर जो नदियों में बाहर के जो अन्य जो जल संरचनाएं हैं, छोटी छोटी धारे हैं, नाला है, सब आके मिलता था पानी, वो मिल नहीं पाता है, और उसके लिए स्लुइस गेट बनाए थे, और अधिक जगह जहां तटबंध बने हैं स्लुइस गेट काम नहीं करते हैं, इसलिए बाहर तटबंध के भीतर एक सीपेज का पानी या जल भराव का, वर्षा के जल भराव का पानी होता है, ये पानी नुकसानदेह करता है। और तीसरा जो है,
जब तटबंध टूटते हैं तो भयावह तबाही मचाते हैं और नए नए बाढ़ के इलाकों को वो कवर करते हैं। कुसहा त्रासदी 2008 में आई थी जिसमें मैं गया था, सरकारी आंकड़ा है 40 लाख लोग प्रभावित हुए थे। 40 लाख 2,36,632 लोगों के घर पूर्णतया ध्वस्त हो गए थे। उसी तरह इस साल भी गोपालगंज में गंडक का तटबंध टूटा है, अन्य नदियों के तटबंध टूटे हैं। तो जो तटबंध टूटते हैं या सुरक्षा के नाम पर बनाई गई संरचनाएं टूटती हैं तो एक भारी तबाही मचाती हैं। तो हम लोगों ने ये जो रास्ता अपनाया तो ये हमारे रास्ते ठीक करते हैं, तो एक तटबंध के चलते बाढ़ हो गई। तीसरा, जो हम लोगों ने विकास के नाम पर घर बनाए, सड़क बनाए, पुल बनाए, पुलिया बनाए, शहर बनाए, उसमें हम भविष्य में पानी, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ दुनिया बढ़ रही है तो हमें उन कितनी मात्रा में पानी आएगा उसके निकलने का रास्ता छोड़े बगैर उस पुल पुलिया और सड़क की संरचना को खड़ा कर दिए। और जब इस संरचना को खड़ा किए तो कहीं तटबंध टूट जाए, कहीं बारिश का ज्यादा पानी आ जाए, कहीं भी अति हो जाए तो पानी निकलने का रास्ता नहीं मिलता है और पानी लंबे समय तक जमा रहता है, अनेक तरह की बीमारी और तबाही को बचा करता है। तो इस तरह से एक हमने जो विकास की जो संरचनाएं खड़ी की हैं वो हमारे लिए बाढ़ के लिए अवरोधक बन के खड़ी है। तो ये दो कैटेगरी हुआ, पहला सरकारों के द्वारा, दूसरा विकास की सोच के द्वारा जो दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और डिफॉरेस्टेशन कर रही है, और तीसरा समाज के द्वारा भी होता है। हमें कहने में कहीं भी हिचक नहीं है कि समाज के लोग विकास के झांसे में आके कि सरकार तटबंध बना दी तो बाढ़ से हम मुक्त हो गए, सरकार ये काम कर दी तो हम निश्चिंत हैं, समाज निश्चिंत हो गया। और उसने क्या किया, जो पुराने जो हमारे इंडिजिनस नॉलेज में था कि जब तालाबों की श्रृंखला थी, पानी के रुकने के लिए अनेक जो संरचनाएं थी उसको हम लोगों ने खत्म करना शुरू किया। हम तालाबों को घर भर के घर बनाते हैं, हम नदी के जो रिवर बेड है जहां नहीं घर बनना चाहिए उधर जाके घर बनाते हैं, हम इंक्रोच करते हैं। तो ये चीजें भी उस चीजों को थोड़ी और गति दी, और ये इसलिए हुआ कि विकास में विकास के झांसे में समाज आ गया और वो सोचना छोड़ के सरकार के भरोसे बैठ गया, इंजीनियरों के भरोसे बैठ गया कि सरकार करेगी, हम धरना करेंगे, हमारे नेता करेंगे, हमारे ये लोग करेंगे। तो इस तरह से पूरे एक कहिए तो एक होलिस्टिक अप्रोच में देखिए तो समाज और सरकारें और हमारी विकास की सोच तीनों मानवकृत बाढ़ को भयावह बनाई है और इसको और जटिल बना दी है। थैंक यू महेंद्र जी, आपने काफी अच्छी बात करी कि ये जो बाढ़ है ये सिर्फ एक नेचुरल आपदा नहीं है, ये मैनमेड आपदा भी है। नाउ अगर मैं मैनमेड की बात करूं तो बिहार में दो रिवर्स आती हैं, अगर मैं ठीक हूं तो, एक घाघरा नदी एंड दूसरी कोशी नदी जो नेपाल से आती है। तो नेपाल से भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है बाढ़ का, नेपाल में क्या वो डैम बना हुआ है जिससे बाढ़ आती है बिहार में, वो पानी छोड़ते हैं तो बाढ़ बढ़ती है? बिहार की जैसी भौगोलिक संरचना है उसमें अधिकतर नदियां ऊपर से आती हैं। आपने जो टोपोग्राफी जो मैप दिखाया आप देखेंगे कि नेपाल सटा हुआ है, ऊंचे स्थान पर है बिहार से, तो पानी ऊंचाई पर बरसेगा तो नीचे ही आएगा, एक स्वाभाविक गति है और उस गति को हम आप नहीं रोक सकते हैं। दूसरा, आपने कहा कि दो नदियों के जिक्र आती है, गंडक और कोसी। आप घाघरा बोले, घाघरा बिहार में उतना, बिहार में जब पानी आता है तो घाघरा को लेके उतना चर्चा नहीं होता है, वो गंडक और कोसी और नेपाल ने पानी छोड़ा। ये तीन शब्द खूब चलाए जाते हैं मीडिया के द्वारा भी, और बड़े बड़े विद्वान भी बोल देते हैं कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया। हमारी सरकार और नेपाल ने समझौता करके कोसी पर एक बैराज बनाया, कोई डैम नहीं है, बैराज है, बीरपुर में नेपाल के भूभाग में पड़ता है, लेकिन उस पूरे बैराज का कंट्रोल भारत सरकार अर्थात बिहार के इंजीनियर करते हैं और उसके अपस्ट्रीम में भी जो काम होता है। और दोनों इम्बैकमेंट के बीच में नेपाल के भूभाग में वो भी, और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस पानी छोड़ने के काम को बिहार के इंजीनियर करते हैं उसी पानी को हमारी मीडिया नेपाल के मध्य मड़के अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाती हैं
हमारे नेता, हमारे अफसर, हमारे इंजीनियर मुस्कुराते रहते हैं कि लोगों का गुस्सा नेपाल के प्रति चला गया। ठीक वही हाल गंडक पर है, भैसालोटन में जो है, उसके बाद से वहां भी वो भी बिहारी कंट्रोल करता है। तो जो नेपाल वो जितने तटबंध हैं, जो बैराज हैं, उसको जब हम बिहार करता है तो फिर कैसे आप नेपाल को दोष देंगे? और स्वाभाविक गति है कि ऊपर बारिश बरसेगा तो नीचे आएगा, तो ये एक भ्रम में डाला जाता है। और बाढ़ के असल कारणों से बच के हम ऊपर से कुछ कह दें, दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर दें, इसलिए इस बात को उछाला जाता है। मैं एक बार व्यूअर्स के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ, आपने फरक्का बैरेज की बात करी है, आपने कोशी नदी की बात करी है, गंडक नदी की बात करी है, मैं एक बार मैप में अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है। अगर हम बात करें तो ये जो नदी है, ये वाली, ये है हमारी सप्त कोशी, इसको सप्त कोशी बोलते हैं। एंड ये रिवर की बात करें तो इसको हम बोलते हैं गंडक नदी। एंड आप देख रहे हैं ये दोनों नदियां हमारी गंगा जी के साथ में सम्मिलित हो जाती हैं। और फरक्का बैरेज की बात करें तो ये बांग्लादेश से जस्ट 15 किलोमीटर हमारे वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। मैं आपको दिखाया था, ये जो आप देख रहे हैं ये है फरक्का बैरेज। एंड ये 19 इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 1970 से एक्टिव है। एंड ये एक कंसर्न भी है कि इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन इसकी वजह से भी काफी खराब हुए हैं फरक्का बैरेज की वजह से। तो महेंद्र जी, मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ। जब भी बाढ़ आती है तो गवर्नमेंट काफी रिलीफ एफर्ट्स बोलती है कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कितने प्रभावशाली हैं गवर्नमेंट के एफर्ट्स, और क्या वो सच में ऐसा कर रही है कि नहीं कर रही? जब बाढ़ आती है तो उसके पहले ही बिहार में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है और आपदा प्रबंधन विभाग है, विभाग बाढ़ राहत के काम को करता है और प्राधिकरण जो है जागरूकता और उसके लिए रोड मैप बनाना करता है। ये बात दीगर है कि दोनों में कितना कम्युनिकेशन रहता है, लेकिन सरकार के ही दोनों विभाग हैं, प्राधिकरण के हेड मुख्यमंत्री होते हैं और विभाग के मिनिस्टर होते हैं, तो विभाग सारे राहत को करता है। बिहार सरकार ने एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP बनाया है और उसके तहत प्री फ्लड, ड्यूरिंग फ्लड, आफ्टर फ्लड काम करने होते हैं। बाढ़ के पहले हम पूरे जो संकटग्रस्त समुदाय है उसको पहचानना, कहाँ क्या करने की जरूरत है, इम्बैंकमेंट को मजबूत करना, सूचना तंत्र को मजबूत करना, हम कहाँ से सामग्री खरीदेंगे उसको लेना, कहाँ कहाँ कैंप चलने की संभावना हो सकती है, ये टोटल काम करने होते हैं हर साल अप्रैल और मई में। एक सर्कुलर आपदा प्रबंधन की तरफ से निकलता है कि इस साल करने हैं, जितने भी बाढ़ प्रभावित इलाके DM हैं या कभी कभी सभी DM को निकलता है, लेकिन वो काम किए नहीं जाते हैं। बाढ़ आती है तो कहीं भी सूचना नहीं दी जाती है, अधिकतर जगह लिपापोती होती है। दूसरा, बाढ़ के समय जब आता है तो सरकार को रेस्क्यू करना होता है, NDRF लगाती है, SDRF लगाती है, नावों की व्यवस्था करना होता है, इसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं, लोग किसी तरह से अपने से जान बचाते हैं, सरकार के भरोसे खाली नहीं होता है। तीसरा होता है राहत कैंप, अगर कोई बाढ़ से निकल के आए तो रिलीफ कैंप चलाना होता है। NDMA के ने जो 2015 से 20 तक का जो कार्यक्रम तय किया है उसके बाद से जो मानदंड तय किया है कि हमें क्या देना है, तो उस रिलीफ कैंप में हमें पका हुआ भोजन देना है, रोशनी की व्यवस्था करना है, चटाई की व्यवस्था करना है, सबको इति करना है। अभी कोविड का समय है तो नया सर्कुलर आया है कि हमें दूर दूर तक करना है, बूढ़े को, महिलाओं को अलग से रखना है, ये तमाम दावे किए गए हैं। रिलीफ कैंप बहुत कम चलते हैं, थोड़े के चलते हैं। सरकार क्या करती है, कम्युनिटी किचन चलाती है। सरकार जो रिलीफ कैंप में जो उन्होंने मानक तय किए उस मानकों पर खरा उतरना न पड़े, इसलिए बचने के लिए बीच का रास्ता कम्युनिटी किचन बना लिया कि हम सामुदायिक भोजन कराएंगे। इसमें भी एक सामुदायिक भोजन है, एक लंगर की व्यवस्था है। लंगर की व्यवस्था वहां करना है कि अगर कोई पानी से घिरा हुआ गांव है, समुदाय है, खाना नहीं बना पा रहा है, ऊंचे स्तर पर सरकार मतलब
तंत्र की तरफ से खाना बनेगा और प्रशासन उन लोगों को नाव से आके या उनके घर तक खाना दिन में ही पहुंचा देगी। ये कहीं नहीं होता है, कागजों पर दिखाव के लिए है। कम्युनिटी किचन कहीं कहीं रोड के किनारे, जहां भी अभी एनएच पर देखिएगा, कई जगह जहां लोग शरण लिए हैं वहां बनता है, खाना बनाया जाता है और उन लोगों को खिलाया जाता है कुछ लोगों को, और कितने साफ सुथरे हैं क्या है उसके अलग मामले हैं। इसके बाद अगर आदमी की क्षति होती है तो 4 लाख सहाय अनुदान, अगर घायल होते हैं तो, अगर पूर्णतः अपंग हो गए तो 2 लाख है, उसके बाद से अगर 15 दिन से ऊपर कोई घायल रहता है तो उसके लिए है, फसल क्षति का है। और उसके बाद से बाढ़ की एक परिभाषा भी एक जगह एक सर्कुलर में मिलती है कि जब कोई गांव टोला या मोहल्ला नदी के पानी से एक सप्ताह तक घिर जाए, उसका जनजीवन प्रभावित हो, चारों तरफ से संपर्क कट जाए, तो कुप्रभावित हो, तो उसको हम बाढ़ग्रस्त इलाका मानेंगे। और उसके लिए सरकार जो सबसे आसान तरीका है अभी जो चलता है वो एक सहाय राशि देती है, और सहाय अनुदान की राशि 6,000 रुपये है। इसके लिए भारत सरकार के एनडीएमए और बिहार सरकार ने जो मिलकर तय किया, एनडीएमए के मानक है जो मानदंड जो तय है 2020 तक के लिए, कि जब बाढ़ग्रस्त कहीं का भी कोई आदमी रहता है या आपदाग्रस्त है, तो जब वो सब कुछ बर्बाद कर चुका है, घर लौटेगा तो उसके पास कोई भी साधन नहीं होगा कि वो अपनी गृहस्थी को शुरू कर सके, इसलिए उसको 65 रुपया बड़े को, 45 रुपया बच्चे को जोड़ के 1 महीने की राशि देनी होती है। बिहार सरकार ने 2008 के पहले इसको 1 क्विंटल अनाज और 1,850 रुपये किया, फिर 2,250 किया, फिर इसी को जब खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो गया तो अनाज नहीं दे सकते थे तो उसको परिवार पर कर दिया कि हम 6,000 परिवार को देंगे, एक परिवार को 6,000 की राशि दी जाती है। ये राशि में चूंकि व्यक्ति को पहले बनाया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने तकनीकी करके परिवार बनाया, तो बहुत बड़ा घपला होता है कि राशन कार्ड वाले को देंगे, बिना राशन कार्ड वाले को देंगे, बड़ा परिवार। खाद्य सुरक्षा कानून में तो यूनिट आदमी को बनाया गया है कि हर व्यक्ति पर हम 5 किलो अनाज देंगे, तो इसलिए बड़े परिवार हैं उनको नहीं देते हैं, लोग कहीं नहीं जोड़ते हैं। फिर एपीएल के राशन कार्ड बने ही नहीं है, एपीएल अगर आदमी बाढ़ प्रभावित है तो और पूरा बर्बाद हो गया तो हम लोग जहां जनसंगठन काम करते हैं, प्रशासन से लड़ के भीड़ के प्रशासन को आंकड़ा देने के बाद उन लोग कुछ नामों को जोड़ते हैं, लेकिन अधिकतर जगह इसको लेके कुछ लोगों को दिया गया, कुछ छूट गए, कुछ नाम हो गए। इसके अलावे अगर कोई जिनके घर कट गए, नदी में फंस गए, 7 दिन से अधिक तक तबाही रही, तो उनको वस्त्र और बर्तन के लिए देने होते हैं 1,800 रुपये और 2,000 3,800 रुपये, ये कहीं नहीं दिया जाता है। फिर घर गिरता है तो गृह क्षति के लिए अलग अलग बनाया गया है, फसल क्षति के लिए बनाया गया है, पशुओं के क्षति होती है उसके लिए बनाया गया है। ये सारे में कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है, जहां दबाव है वहां मिलता है, जहां नहीं दबाव है वहां नहीं मिलता है। हम जनसंगठन के लोग एक काम करते हैं कि जो सरकारी सर्कुलर है उसको एक बुकलेट बना के जितने साथी हम लोग के संपर्क में आते हैं उनको देते हैं, बताते हैं, बहुत जगह हैंडबिल बना के बांटते हैं, फोल्डर बना के उनको देते हैं कि ये है, आप दबाव के बांध करिए इसकी मारिए। एक आप बात के आप जान के आपको हैरत होगी कि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि जो आपदा पीड़ितों का सरकारी खजाने पर पहला अधिकार है, तो इसलिए सरकारी खजाने पर पहला अधिकार है, लेकिन व्यवहार में नहीं दिखता है, उनका आखिरी अधिकार भी जैसे नहीं लिखता है। और सरकार हमेशा कहती है कि जैसे हम दान कर दिए, हम लोग कहते हैं कि बाढ़ पीड़ितों का ये पाना अधिकार है। नियम के तहत जब आप मानदंड बनाए हैं, आप एक मानक संचालन प्रक्रिया बनाए हैं, तो अगर बाढ़ आती है तो सारे हक के अधिकार पाना उनका एक अधिकार है और उसको देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जानबूझ के नहीं बाढ़ आई है, सरकार ने मैनमेड बाढ़ बनाया है, ये उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। महेंद्र जी, मेरा अगला प्रश्न है, आपने बताया कि गवर्नमेंट 6,000 रुपए पर मंथ उनके अकाउंट में पैसा पर मंथ नहीं सॉरी पर मंथ नहीं एक बार देती है, वन टाइम देती है। जहां तक मेरा आइडिया, बाढ़ को हटने में कम से कम 2-3 महीने हट जाते हैं, राइट? जून से लेके सितंबर तक बाढ़ रहती है बिहार में और काफी लोग इफेक्ट होते हैं इस चीज से। तो फिर अब कुछ एरिया ऐसा भी होता होगा गांव वगैरह में जहां पे हम बैंक मतलब बैंक प्रभावित होगा, एटीएम भी प्रभावित होगा, जहाँ पानी नहीं हटा, तो फिर वहां पे लोग कैसे मैनेज करते होंगे? पैसे से तो मैनेज नहीं होगा ना, खाना भी चाहिए उनको, वो पानी भी चाहिए पीने के लिए, तो कैसे वो लोग मैनेज करते हैं? देखिए, केवल पैसे से आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो जो लोग समाज समुदाय अपने से जीने की कोशिश करता है,
अगर बाढ़ आती है, उनके घर के कमाने वाले लोग हैं, वही लोग तो मजबूरी में जाते हैं पलायन करके कमाने, ट्रेनों की छतों में बोगियों में भर के। अब तो ट्रेनें भी बंद है, जो पैदल लहूलुहान होके जो माइग्रेंट वर्कर आए थे वही लोग तो हैं कि बाहर से कमा के कुछ सामान संसाधन संचय करते हैं, समाज मदद करता है, और बाढ़ के पानी में भी वो लोग थोड़ा जीने के कुछ अति सीखते हैं और उसके साथ जीते हैं। सरकारी पैसे के बल पर कोई नहीं रहता, राहत के बल। मतलब आप एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं वो कुछ मतलब बोलने के लिए है, पर प्रैक्टिकली ग्राउंड पे देखी जाए तो कुछ भी नहीं है वो। नहीं हो अमिता रहा है, बहुत नहीं। जी, मेरा अगला क्वेश्चन है कि जैसे हम बाढ़ की बात करी जाती है, अब गवर्नमेंट को पता है कि हर साल बाढ़ आती है, तो गवर्नमेंट क्या कुछ एफर्ट्स ले रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में ताकि हम बाढ़ को रोक सके? या गवर्नमेंट कुछ अगली प्लानिंग हो, प्लान में होगी हम ऐसे कुछ डैम बनाएंगे या तटबंध बनाएंगे जिससे बाढ़ को रोका जा सके, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इस दिशा में? यही तो आप जो सवाल पूछे हैं वही सरकार करती है कि हर साल कुछ घोषणा करती है कि हम रोकने के लिए तटबंध बनाएंगे। कुछ घोषणा होता है कि कहीं डैम बनाएंगे, नेपाल में हाई डैम बनाएंगे, लेकिन जितने तटबंध बढ़ते गए बाढ़ की संख्या उसमें गुणात्मक तेजी से बढ़ता गया। इसलिए तटबंध बाढ़ का समाधान नहीं है, ये बात साबित हो चुका है, भारत में नहीं और बिहार में नहीं, पूरे दुनिया में साबित हो गया है कि डैम और तटबंध बाढ़ के समाधान नहीं है। अनेक जगह डैम को तोड़ा गया है, अनेक जगह देशों में तटबंध को हटाए गए हैं, और डिकमिशनिंग ऑफ डैम के दौर में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जहां डिकमिशन करने के लिए कई दुनिया के देश अति करते हैं, जिसको हम आदर्श और विकसित मानते हैं। तो सरकार वो तटबंध को अति करती है, लेकिन बीमारी वो नहीं है। तटबंध आप बना देंगे तो आप थोड़े से इलाकों को भरे, लेकिन वो टूट गया भीतर का जल जमाव का क्षेत्र। तो इसलिए इसको एक समग्रता में सोच के और दीर्घकालिक काम करने की जरूरत है, वो सरकार नहीं करती है। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी एक बार फरक्का को लेके ढेर सारे बाहरी विद्वानों को बुलाए थे, कुछ डिस्कशन किए, फिर जब वो इसके पहले जब महागठबंधन से मुख्यमंत्री थे, फिर एनडीए में जब मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के साथ गए, तो उस चर्चा पर क्या किए बिहार की जनता को बताना चाहिए। और एक सफेद झूठ मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि 2008 की बाढ़ का कारण, अभी मैं अखबार में देख रहा था कि नेपाल के लोग काम करने में बाधा डाले, तो आपका कोसी जो कोसी पर जो कमीशन बना था जस्टिस वालिया आयोग, वो तो नहीं कहा है कि बाढ़ आने का कारण नेपाल है। तो आप अपने कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं किए और फिर चुनाव आया है, तो कुछ इस तरह से बयानबाजी जो आप कर दे रहे हैं, यह बिहार और देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वैसे आपने बहुत अच्छी बात करी कि वैसे हमारी सरकार ऐसा ही करती है कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम आती है या तो बोलते कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। अब जैसे आपने बताया कि हमारे बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार जी, उन्होंने बोला कि नेपाल की वजह से ये बाढ़ आती है, पर कहीं ना कहीं इससे हमारे लोग इफेक्ट होते हैं। तो आपकी बात से यही पता लगता है कि अभी भी फ्यूचर में गवर्नमेंट क्लियर नहीं है कि उन्हें क्या करना है बाढ़ को रोकने के लिए, एंड अगले साल भी लोग इसी तरह से प्रभावित होंगे। होंगे कुछ कम होंगे, कुछ ज्यादा होंगे, कहीं तटबंध बच गया तो होंगे, लेकिन बाढ़ है तो आएगी, नदी है तो आएगी, कहीं वर्षा का जो भारी वर्षा है कहीं कम होगी तो कम आएगी, ये हो सकता है, लेकिन बाढ़ आएगी। सरकार उस दिशा में बड़ा और समग्रता में कोई कदम उठाने की कई सोच नहीं दिख रही है, और जो उसकी सोच है, अब सरकार कहेगी कि हम एक और उदाहरण दे सकती है कि हम इंट्रा रिवर लिंकिंग और इंटर रिवर लिंकिंग करने की योजना बना रहे हैं, कोसी को मेची नदी से जोड़ेंगे, कोसी मेची महानंदा लिंक है। मैं उसका पुराना डीपीआर जो पहले था उसको मैं पढ़ रहा था, उसमें है कि जब हम उसको सिंचाई का काम करेंगे, करेंगे क्या कि आप एक पूर्वी मुख्य नहर कोसी की है उसके पानी को जोड़ के और आप मेची में ले जाइएगा, मेची से महानंदा में ले जाइएगा, उसको कहते हैं कि इससे हम इतना हेक्टेयर जमीन को सिंचाई देंगे। सिंचाई कब देंगे? जब वर्षा का सीजन होता है, और जब गर्मी का सीजन होता है तो सिंचाई कब दे, उसके बारे में प्रोजेक्ट में कहा गया है कि जब नेपाल में हाई डैम बनेगा तब देंगे। तो इस तरह से भेग में जब चारों तरफ एक एक एरिया है, प्राकृतिक रूप से देखिए तो जो आपने मैप में भी दिखाया, एक एरिया है भौगोलिक जहां एक साथ वर्षा आती है, एक साथ मानसून आते हैं, तो मानसून में जब हर जगह पानी बरस रहा है तो उस समय आप सिंचाई देने जाइएगा,
और जब सूखे का पीरियड होता है तो नहीं दीजिएगा। तो ये आंखों में भ्रम दिखा के ठेकेदारों को फायदा करने के लिए लोगों का ध्यान असल बाढ़ के मुद्दों से हट जाए, इसलिए कहेंगे कि हम नदी जोड़ देंगे। भाई पूर्वी मुख्य नहर से जो पानी आता था उसी को तो आप पानी को बहाइएगा, उससे ज्यादा कोसी के पानी तो ले नहीं सकते हैं, तो कहां से आप बाढ़ को कम कर दीजिएगा? और सिंचाई भी नहीं दे रहे हैं और उल्टे लोगों की जमीन जाएगी और बर्बाद कीजिएगा। आप मेची नदी और उधर के इलाकों में भी और नई बाढ़ के लिए आप संरचना खड़ा कीजिएगा। तो ये समग्रता में लोग नहीं कर रहे थे। हम लोग को उम्मीद जगी थी कि जब फरक्का को लेकर चिंतित थे तो और कोसी के तटबंध और गंडक के तटबंध, तमाम नदियों के जो तटबंध है उस पर करेंगे। बागमती में लोग प्रतिरोध किए तो एक बार एक कमेटी भी बनाए कि तटबंध आगे बने कि न बने, इसकी समीक्षा किया जाए। आधा से अधिक तटबंध बन के बीच में रुका हुआ है, तो ये लगा था कि थोड़ा ये समीक्षा करेंगे, लेकिन इनकी अंतरात्मा बदल गई और उसके बाद से वो फिर उसी रास्ते पर उसी राग को अलापने लगे। महेंद्र जी, मेरा अगला सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है कि इसका क्या सोल्यूशन है, हमें लाइक फ्यूचर में भविष्य में क्या करना चाहिए जिससे हम जितने मैक्सिमम लोग को इस बाढ़ से बचा सकें? फ्यूचर में कोई जादुई फार्मूला नहीं है, मतलब एक फार्मूला लगाया जाए ये हो जाए। ये सरकार और नेता बोलते हैं कि एक हाई डैम बनाइए छुमंतर बाढ़ हो जाएगा, इसको एम्बैंकमेंट बनाइए छुमंतर हो जाएगा, लेकिन जितने बनाए उतने बिगड़ते गए। हमें समग्रता में समाज को, सरकार को, सबको मिलके एक साथ अपने विकास और जो संरचनात्मक विकास किए हैं उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि हम बाढ़ को नहीं लाने चाहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के दौर में हम प्रवेश कर चुके हैं, वर्षा इससे भी तेज होगी, इससे भी भारी वर्षा होगी, और उसको हम निकालने के लिए, जल को पहुंचाने के लिए हमारे पास जो सिस्टम है वो कितना है, तो उसको अलग अलग इलाके का अलग अलग प्लानिंग करके और उसको बनाना चाहिए, और हर एक नदी का, हर एक रिवर घाटी का अलग अलग उसके क्या हो सकता है समाज के साथ, लोगों के साथ करना चाहिए। और जो पुराने जो पद्धतियां रही हैं जहां तालाबों की श्रृंखला थी उसको भी पुनर्जीवित करना चाहिए, और जो जो तमाम तरह की जल संरचनाएं थी जिसमें पानी धीरे धीरे होके फैल के विकेंद्रित होता था, वो जब तक उसको पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा तब तक बाढ़ नहीं होगा। तो अलग अलग इलाके का अलग अलग प्लान बना के काम करना होगा, सरकार समाज सबको एक साथ बैठ के काम करना होगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार समाज के साथ नहीं बैठती है। हम लोग कोसी के सवाल पर चार प्रमुख मुद्दों को लेके कोसी महापंचायत आयोजित किए सुपौल के गांधी मैदान में 23 फरवरी को, उसमें हम लोग माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, जल संसाधन मंत्री, भूमि सुधार के, भूमि विभाग के मंत्री, उसके बाद जल आपदा मंत्री, हम लोग रेलवे को बुलाए, अनेक डिपार्टमेंट के मंत्रियों को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाए, और ये भी आग्रह किए कि आपकी व्यवस्था होगी तो आप अपना एक प्रतिनिधि भेजिएगा। समाज के लोग बैठ रहे हैं, देश के तमाम एक्सपर्ट बैठ रहे हैं, मेधा पाटकर जी आई, अनेक सामाजिक कार्यकर्ता देश दुनिया से चल के आए, लेकिन किसी विभाग का दुर्भाग्य से कह रहे हैं, लिखित में हमने आवेदन दिया, हमने कहा कि ये बाढ़ और कोसी की समस्या हम एक पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम सब पार्टी, सब दल, सरकार, समाज सबको एक साथ आमंत्रित कर रहे हैं कि हम लोग एक जगह बैठ के सोचें और सोच के कुछ समग्रता में हल करें। कोई नहीं आया, एक प्रतिनिधि नहीं आया किसी भी पार्टी का, नहीं लेफ्ट पार्टी के अगर स्थानीय प्रतिनिधि छोड़ दीजिए, मुख्य धारा के, विपक्ष की पार्टी के लोगों को भी दिए थे, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को दिए थे, उपेंद्र कुशवाहा को भी दिए थे जो यहाँ केंद्रीय एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं, किसी ने कोई एक प्रतिनिधि नहीं भेजा। तो बाढ़ के प्रति, कोसी के प्रति, अगर चुनावी उनके वादे को छोड़ दीजिए तो उनकी संवेदना इसमें झलकती है, क्योंकि हम लोग किसी को ब्लेम नहीं किया था कि आप दोषी हैं, हम सब लोग मिलकर एक साथ सोचें, नहीं हुआ। हम लोग चार मुद्दों को लेके किए थे कि कोसी समस्या का समाधान की दिशा में सोचे, रिवर बेड ऊंचा है, अब कभी भी वो जो तटबंध है वो टाइम बम की तरह फटेंगे और लाखों की आबादी जाएगी, 40 लाख 2008 में प्रभावित हुए थे, तो इस बार कितना उससे अधिक होंगे कि कम होंगे नहीं कह सकते हैं, हर साल ऐसी होता है, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके कोसी के तटबंध को आप मजबूत कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग कहे थे कि तटबंध के बीच की लाखों आबादी है उसके कल्याण के लिए कैबिनेट ने बिहार सरकार के 30 जनवरी 1987 को एक प्राधिकरण आया था, कोसी पीड़ित विकास प्राधिकरण, वो प्राधिकरण गायब हो गया है। आपको जान के ताजुब होगा कि उस प्राधिकरण का कहीं भी कार्यालय नहीं मिल रहा है। हम सूचना अधिकार में मांगे हैं,
कैबिनेट विभाग के लोग सूचना अधिकारी को सूचना आवेदन दिए कि हमें बताइए प्राधिकार कहाँ है, कौन लोग हैं, कितना खर्चा हुआ है, क्या रिपोर्ट है, उसको भंग किए हैं कि उसकी शिथिल किए हैं या उसमें संशोधन किए हैं। उन्होंने जल संसाधन विभाग को भेजा, जल संसाधन ने चीफ इंजीनियर को भेजा, वो जो है वो दूसरे इंजीनियर को भेजे, वो इंजीनियर जो है कोसी कमिश्नर को भेजे, कोसी कमिश्नर डीएम को आवेदन भेजे। मैं सहरसा के डीएम के कार्यालय में परसों गया था, डीएम के कार्यालय में बताया गया कि ये आवेदन आपदा में गया है। हम कहे आपदा से इसका प्राधिकार का क्या लेना देना, तो बोले कि जो बाढ़ का बात आता है तो आपदा में हम लोग भेज देते हैं। आपदा में गए तो आपदा वाले ने बोला कि हम डीडीसी को भेजे हैं, डीडीसी के यहाँ गए तो कहे कि हमारे यहाँ गलती से आ गया, इसको वापस करते हैं। एक प्राधिकार जो 30 जनवरी 1987 के कैबिनेट के फैसले से बना है, बिहार सरकार का एक विभाग नहीं बता रहा है कि कहाँ है, कौन लोग हैं, कैसे हैं, कहाँ कागज हो रहा है, काम हो रहा है। ये कोसी तटबंध के पीड़ितों के लिए बना था और आज गायब है। उसी को खोजने के लिए वो हम लोग उसमें भी मांग उठा रहे थे कि प्राधिकार कहाँ है, उसको हाजिर कर दीजिए, कोई नहीं बता रहा है। और आपको जान के ताजुब होगा, कोसी के कमिश्नर भी पदेन उसके सदस्य हुआ करते हैं, उसके बाद में सहरसा के डीएम भी उसके होते हैं, इन सारे विभागों में जल संसाधन विभाग के लोग भी उसमें, चीफ इंजीनियर भी उसके सदस्य होते हैं। तो ये सारे लोग सदस्य होते हैं, उनको पता ही नहीं है हमारा कार्यालय कहाँ है, कहाँ गायब है, इस दौर में है। और ये बात जान के आपको हैरत होगी कि इस तरह से है। हम लोगों ने तीसरा सवाल उठाया था, कोसी तटबंध के बीच के लाखों हेक्टेयर जमीन में नदी घूम घूम के बहती है, बालू सिल्ट आता है, दुनिया की सबसे हाई सिल्ट डिपोजिट नदियों में कोसी एक है, और उस हाई सिल्ट डिपोजिट नदी के जो प्रभावित किसान थे, जब तटबंध बना तो उनको जमीन के बदले जमीन नहीं दिया गया, घर के बदले घर के बजाय कुछ जमीन दी गई जहां कब्जे नहीं मिले। अंतिम में लोग मजबूरी में कुछ कब्जे भी मिले तो खेती करने आए और उधर रहते हैं लोग। तटबंध के बीच में जहां लोग रहते हैं उनके जो जमीन में नदी बहती है, जिस जमीन में बालू है, उस जमीन का लगान देना पड़ता है, और लगान के साथ चार तरह का शेष दिया जाता है, शिक्षा शेष, अंदर एक भी स्कूल ठीक से नहीं चलते हैं, स्वास्थ्य शेष, तटबंध के बीच में एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, स्वास्थ्य शेष के बाद से आता है रोड डेवलपमेंट शेष, चारों तरफ नदी और बालू है, 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर पूरे इलाके में नदी पार करके बालू में जाना पड़ता है, कीचड़ पानी में, उसके लिए लेकिन शेष देना पड़ता है। और चौथा है कृषि विकास का शेष, उनकी जमीन बंजर हो गई, बालू हो गया, कास पटे रहे, नदी बहती है, कृषि का इतना विकास किए और उसके लिए शेष लेते हैं, जमीन सरकार नदी बहाती है बालू की, उल्टा उनसे शेष लेते हैं। हम लोग कहे थे सारे लोग आइए महापंचायत में तटबंध के बीच के इस लगान जो लेते हैं, ये कलंक है, इस कलंक अपने माथे पर जो लगा हुआ सरकार के कलंक है पीड़ितों की तरफ से, उस पीड़ित को तो पूछिए, उस कलंक को पूछ के इस जो लगान है इसको खत्म कराइए। सरकार कुछ नहीं की, कोई प्रतिनिधि नहीं सुना। हम लोग, आपको ताजुब होगा, हम लोग लगान मुक्ति के लिए कई यात्राएं किए, मतलब 4000 आवेदन अलग अलग लोगों के एक बार लेके गए थे, उसके अलावा 10000 आवेदन बन के पड़े थे, मुख्यमंत्री का कार्यालय वो आवेदन लेने से इनकार कर गया। हम उनसे मिलने का समय मांगे, आज तक नहीं मिले। देश के 20 राज्य के सामाजिक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे कि किसानों के आवेदन तो ले लीजिए, सुनिएगा बाद में। आवेदन लेने के लिए, वार्ता करने के लिए, संवाद करने के लिए कोई नहीं बुलाया। इसलिए हम लोग थक हार के उस महापंचायत में फैसला लिए कि कोसी के समस्या के, बाढ़ के समस्या के समाधान के लिए हम लोग पीपुल्स कमीशन बनाएंगे, और एक जनपक्षी समाधान क्या हो सकता है बाढ़ का, एकदम उस पे काम करेंगे। और 18 अगस्त, इसी 18 अगस्त को जिस दिन कुशांत राजदी की वर्षी थी, हम लोग ऐसे ही आभासी मीटिंग या सोशल मीडिया पर, जूम पे मीटिंग करके, और हम लोग कोसी प्राधिकार, कोसी पीपुल्स कमीशन जो कोसी नदी बेसिन के लिए होगा, नेपाल से लेके भारत तक के पूरे, कैसे हो सकता है समाधान बाढ़ का, उसके लिए हम लोग जनता के पक्ष में बनाए हैं और उसको लेके काम करेंगे। और जो समाज के लोग हैं वो कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो ये स्थिति है वस्तुगत। आपकी बातें सुनकर ना एक एक कहावत याद आती है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा। लगता नहीं कि हम भारत में रह रहे हैं, कि हमारा एक एक, एक ऐसा राज्य है जहाँ पे गवर्नमेंट इतनी ब्लाइंड हो चुकी है कि लोगों को भुगतना पड़ रहा है उसकी इस एपथी से, इस ब्लाइंडनेस से। महेंद्र जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि आप इस कोसी एवं कोसी नवनिर्माण मंच से जुड़े हुए हैं, तो आप किस टाइप के कार्य करते हैं, और आप
और आप अपने मतलब जो आवाज है वो किस तरह से सरकार तक पहुंचाते हैं, कैसे कैसे रिलीफ एफर्ट्स कर रहे हैं, और कितना कितना एरिया आप अभी तक आप कार्य कर रहे हैं, किस किस एरिया में? हम लोग 2008 की बाढ़ में गए थे। हम कोसी के नहीं रहने वाले हैं, हम कोसी में ऐसे ही संदीप भाई के कहने पर गए थे, मेधा जी के साथ गए थे, और वहाँ गए तो कागज पे एक 5,000 लोगों का कैंप चल रहा था, 35 रसोईया खाना बना रहे थे और 10 चापा कल गड़ा था, सब कागज में था, धरातल पर कुछ नहीं था। मैं उस जगह गया, रात हो गया, आने का रुकने का जगह नहीं था, किसी से पूछा कि भाई ये 5,000 वाला कैंप है पहुंचा दीजिए, नहीं खाएंगे तो ऐसे भी भूखे सो लेंगे। लोग बताए यहाँ कोई कैंप नहीं चलता है। 20,000 से ऊपर बाढ़ पीड़ित बभनगावा में थे और ये मधेपुरा का इलाका था, बिहारीगंज प्रखंड का। लोग कहे आप कैसे कह रहे हैं 5,000 का कैंप चलता है, हम कहे सरकारी कागज में तो है। तो वो लोग घेर लिए हमको, फिर कागज दिखाए, फिर लोग कहे कि आप हमारे घर रहिए और आप सरकारी जो जानकारी लाए हैं इससे ही ये थी होगा। अगले दिन हम लोग दबाव बनाए, दूसरे दिन 3 कैंप शुरू हुआ, वहीं के लोग मिलके कोसी नवनिर्माण मंच संगठन वहां बनाए कि हमें अगर सरकार पर दबाव बनाना है, तो ऐसे ही एक संगठन बनाना था। हम लोग जो सरकार की स्कीम है उसको बताते हैं, बाढ़ को लेके, इति को लेके, और जो 2008 की बाढ़ के जो पीड़ित लोग थे उनको हम लोग उनके जो पुनर्वास के लिए सरकार कही थी उसके लिए जो पैसा वर्ल्ड बैंक से कर्जा आया, उनके घर नहीं बन पा रहे थे, सरकारी खजाने में अनयूटिलाइज ग्रांट के रूप में पड़ा था, इन तमाम सवालों को लेके हम लोग पदयात्रा किए, लोगों को जागरण किए, मुख्यमंत्री का घेराव किए, विधानसभा का घेराव, गए जेल गए, लाठियां खाए, अभी भी केस चलता है, ये सब दौर से उधर से गुजरे। और उसके बाद से ये 2008 के कुछ हाँ त्रास दी जिसमें बाढ़ हमेशा नहीं आती है, वो इलाका था। लोग कहते थे कि कोसी में हर साल बाढ़ आती है, आप 2008 के बाढ़ पीड़ितों के लिए काम करते हैं। फिर हम लोग कोसी में गए, समझ में नहीं आया, 2014 में गए तो क्या करें, फिर हम 2016 में गए, फिर 2016 से हम लोग एक जीवनशाला शुरू किए कोसी के, जहाँ एक गाँव था, आपको इस भी आश्चर्य होगा कि हम लोग उस गांव में गए। एक बहुत दिलचस्प कहानी है कि एक आदमी था, उससे बात कर रहे थे तो एक बोले पंडित जी इधर आइए, हम कहे पंडित जी हैं, बोले नहीं ये तो महादलित में मुसहर कम्युनिटी के हैं। तो हम कहे कितना तक पढ़े हैं पंडित जी, तो बोले हम पढ़े नहीं हैं, मेरा भाई पढ़ रहा था तो उसको देख के सीख गए पढ़ना। तो हम कहे पूजा कैच करा लेते हैं, तो हाँ पढ़ के करा लेते हैं। तो मुझे आश्चर्य लगा, हम कहे आपका भाई कितना तक पढ़ा है, 8वीं तक। उस पूरे मुसहर महादलित टोली है, मुसहर कम्युनिटी के लोग, पूरे टोले में 2 ही लड़के 8 पास थे। पूरे गांव के बच्चों से मैंने बात किया तो उसमें 8-10 लड़के क ख ग घ जानते थे। और उसके बाद से वही हम लोग जीवनशाला शुरू किए, वही उनके जो भाई थे वो पढ़ाना शुरू किए, बैठाना शुरू किए, और वहीं से हम लोग तटबंध के बीच में काम शुरू किए। 4 जगह हम लोग जीवनशाला चलाते हैं जहाँ कोई स्कूल नहीं है। एक जगह है जहाँ नदी में स्कूल कट गया, गाँव का स्कूल बच गया, पूरा गाँव कट गया, वहां से 4 किलोमीटर बाद जाके गांव बसा, और गांव के लड़के नदी बालू पार करके वहां नहीं जा सकते स्कूल पे, स्कूल वहीं रहा, गांव दूसरे जगह चला गया। 2012 से वो लोग लड़ते रहे, उनके बच्चे बिना शिक्षा के वैसे ही रहे, उनके बीच में हम लोग जीवनशाला शुरू किए। इस तरह तटबंध के बीच के लोगों में विश्वास आया कि ये लोग सामाजिक कार्यकर्ता है और सही में हमारे सवाल को उठाते हैं। फिर हम लोगों ने लोगों के बीच में लगान मुक्ति संवाद यात्रा कई जन सुनवाई कराया जिसमें हाईकोर्ट के चीफ रिटायर्ड जस्टिस से लेके कई लोगों को ले गए हम लोग। फिर लोगों में एक जागरूकता का काम करते हैं, बाढ़ आता है तो कुछ दोस्त मित्रों से सहयोग करके कुछ संसाधन भी बांटते हैं, लेकिन संघर्ष के लिए जागरूकता के साथ हम लोग लोगों को तैयार भी करते हैं, धरना प्रदर्शन घेराव। अभी एक तो लोगों को एक बाढ़ आपदा उसके साथ उनको अपने अधिकार के लिए अपने खड़ा होना है, संगठित होना है, शिक्षित होना है, उसकी पूरी पृष्ठभूमि बनाने का काम कर रहे हैं हम लोग, और उसमें अनेक साथी लगे हुए हैं पूरे। तो अभी सुपौल के तटबंध के बीच के इलाके, मधेपुरा के कुछ, सहरसा में थोड़े से, मधुबनी के भाग में, ऐसे करके हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। और अभी हम लोग मक्का, जो बिहार के, बिहार देश का तीसरा बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है, जो जो गर्मियों में मक्का होती है, और उस मक्का किसानों को जो पिछले साल 1,000 से 2,000 से लेके 2,400 बाजार भाव मिलता था एक प्रति क्विंटल मक्के का, इस साल वो बाजार भाव लॉकडाउन के चलते 900 से लेके 1,100 रुपया तक रहा है। उनको MSP पर खरीद करने के लिए सब लोग लॉकडाउन में जब घर में बैठे थे तो हम लोग सड़कों पर सत्याग्रह कर रहे थे, उसको लेके हम लोग PIL किए हैं।
माननीय पटना उच्च न्यायालय में और इस संकट परिस्थिति में बात को सुना, लेकिन अभी भी माननीय न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, फैसला सुरक्षित है। 1.5 महीना हो गया, मतलब 1.5 महीना, 13 तारीख को फाइनल सुनवाई हुई, 13 जुलाई को, आज 29 अगस्त हो गया, अभी तक फैसला नहीं आया है। शायद हम तो इधर आजकल में नहीं देखे हैं, फैसला अभी नहीं ही आया है। तो इसलिए उनको लेके हम लोग सत्याग्रह किए मक्का किसानों का, कि आप उनका लागत नहीं निकल रहा है, जिसको 1300-1400 रुपया एक क्विंटल उपजाने में लगता है, उसको 900 में बेचना पड़ा। सरकार ने एफिडेविट दिया, जब हम PIL किए तो बिहार सरकार ने कहा कि हम मक्का को कहीं PDS में नहीं देते हैं, इसलिए नहीं खरीदेंगे। भाई PDS में गुजरात खरीदता है, गुजरात के लोग मक्का खाते हैं, राजस्थान खरीदने की तैयारी किया, यूपी खरीदने की तैयारी किया, उसके लिए यूपी सरकार ने फैसला लिया कि हम मक्का खरीदेंगे, छत्तीसगढ़ खरीदता है, आंध्र प्रदेश खरीदता है, आंध्र प्रदेश 100% मक्का को खरीदने के लिए कहा है, तेलंगाना खरीदता है। क्या ये लोग केवल मक्का खाते हैं और बिहार के लोग चावल गेहूँ खाते हैं? लेकिन सरकार नहीं की, और उसने जो उसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगाया था, उस डॉक्यूमेंट में सरकार ने कहा था कि जो मक्का जो है, जो कोरस ग्रेन है, जो मोटे अनाज है जिसका MSP तय है, उस MSP तय अनाजों को हर एक स्टेट गवर्नमेंट को थी उसके उत्पादन होने से पहले ही सरकार थी करके योजना बनाना होता है, खरीदने की योजना बनाना होता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारत के सरकार के साथ एक बार संवाद करना होता है और उनके साथ योजना बना के कैसे खरीदेंगे और कहाँ स्टोर करेंगे, अगर स्टोर कर रहे हैं उसको फिर मार्केट में उसको बेचेंगे, घाटा होगा तो केंद्र वहन करेगा, ये सब चीजें होती है। बिहार में कुछ भी नहीं हुआ है, इसी को रिज्वाइंडर बना के हम लोग कोर्ट में दिए कि ये तो सरकार इसमें विफल रही है, सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। तो सरकार इस पे लेके अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार कहती है कि हम PDS में देने आने वाले अनाजों को अपने स्टोर में रखते हैं, अपने गोदाम में रखते हैं, तो जो बिहार का मक्का है वो कहाँ रखा जाएगा? हम लोग कोसी के नवनिर्माण की बात करते हैं कि कोसी सीमांचल 10 जिलों में मक्का सबसे ज्यादा उपजता है, सरकार कहती है कि पलायन ना हो, सरकार कहती है कि बिहार का विकास हो, ट्रकों में भर के सस्ते दाम पर मक्का दूसरे स्टेट जा रहा है और बसों में भर के यहाँ के मजदूर जा रहे हैं, मालगाड़ी में बोझ के पूरा जा रहा है यहाँ से मक्का और ट्रेन में भर के मजदूर जा रहे हैं। भाई साहब, जब तक दोनों को रोकना है, जब तक यहाँ के संसाधन को नहीं रोकिएगा तो यहाँ का विकास संभव नहीं है, विकास हवा में नहीं होता है। नीतीश जी और बिहार के जो भी रहनुमा है, आपके अपने संसाधनों को यहाँ नियोजित करना पड़ेगा, वो नियोजन वो चीजें नहीं होती है। इसलिए हम लोग इसको लेके एक इसको मुद्दा बनाने के लिए, लोगों में एथी करने के लिए सरकार को घेरने का काम किया। लॉकडाउन है और उसके बाद भी हम लोग तमाम कोशिशें कर रहे हैं। थैंक यू महेंद्र जी, आपने काफी पैशनेटली अपने एक्सपीरियंस का शेयर किया, और बिहार के बारे में तो सुनकर लगता है कि सरकार तो मतलब आंखें बंद करके बैठ गई है, लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया है। मैं बाकी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा इफ दे वांट टू आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर महेंद्र यादव, सो दैट वी कैन मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। एनीवन? ओके, सो थैंक यू महेंद्र जी, आप कुछ और कहना चाहते हैं टॉपिक के बारे में, और कैन वी मूव अहेड? ओके, तो ये थे हमारे साथ महेंद्र यादव। मैं इनको फॉर आर इंग्लिश व्यूअर्स मैं इनको थोड़ा ब्रीफ समराइज कर देता हूँ। सो बेसिकली टॉक्ड अबाउट द कॉसेस ऑफ फ्लड इन बिहार, एंड ही एट्रीब्यूटेड द कॉसेस टू बेसिकली टू फैक्टर्स, वन आर नेचुरल फैक्टर्स एंड अदर आर मैन मेड फैक्टर्स। नाउ नेचुरल फैक्टर्स can be the deforest, can be because of the silt deposition, that the rivers coming from the Nepal, they are carrying a lot of silt, and you can estimate the amount of silt they're carrying by this fact that the parts of Bangladesh and West Bengal, they are formed is because of the silt deposition of these river, of the river of Ganges and Brahmaputra. Then he talked about the man-made effects like global warming, unabated deforestation, embankments and barrage. Now, talking about suggestions, he suggested that the government is taking a top-down approach. That is, everything is written on paper, but implementation of ground, there's no implementation of ground, or the implementation is very, very poor. Now, there are many institutions which are working in Bihar for the alleviation of this problem. And the government should include people to make some kind of policies, these policies to alleviate Bihar, to alleviate the situation in Bihar, flood situation in Bihar.
And till now, through our discussion, it is quite apparent that the government has no solution for floods in Bihar, and that the floods will continue to happen in future. And I'm actually very sorry to say this, but the flood will actually happen in future, and the millions of people will be affected, millions of crops will be lost, livestock will be lost, and there will be death in near future. Now, on this note, I would like to move towards the second topic, which was Wardha deforestation. Now, to start with the Wardha deforestation, I would like to share a small story with you. In 1930, when the Gandhiji organized Dandi March, the Gandhiji and Dandi March start kiya tha, so he decided one thing, that he won't live in Sundarban in the ashram, in the Sabarmati ashram, unless and until India gets independence. Fir unke liye एक जगह ढूंढी जानी स्टार्ट करी जहाँ पे वो रह सके. दो साल तक जब उन्होंने डांडी मार्च किया, दो साल तक वो जेल में रहे. उसके बाद दे डिसाइडेड टू लिव इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में एक छोटा सा शहर था वर्धा करके, वहाँ पे उनको एक जगह बहुत प्यारी लगी, उसका नाम रखा गया सेवाग्राम. तो सेवाग्राम में बापू जी ने कहा कि सिर्फ 100 रुपये वहाँ पे आप मेरे लिए एक रहने की जगह बना दीजिए. तो गांधी जी वहाँ पे 1936 से लेके 1948 तक, मतलब अपनी आखिरी सांस तक उस जगह पे रहे, जिसका नाम पड़ा सेवाग्राम आश्रम. तो गांधी जी, हम सब जानते हैं गांधी जी इज अ सिंबल ऑफ मिनिमलिज्म, मतलब वो एक्यूमुलेशन में बिलीव नहीं करते थे, वो अर्बनाइजेशन को कंडेम करते थे. वो चाहते थे कि लोग सेल्फ रिलायंट बने, अपने कम्युनिटी बेस्ड मॉडल पे वर्क करें, और इंडस्ट्रीज, वो कहते थे कि इंडस्ट्री से हमेशा हमें इंडस्ट्रीज कभी भी सोल्यूशन नहीं हो सकती किसी देश की ग्रोथ का, हमेशा लोग जो खुद हाथ से मेहनत करके चीज करेंगे वो ही सोल्यूशन है ग्रोथ का. एनवायरमेंट की बात करें तो अगर मैं उनको फर्स्ट एनवायरमेंटलिस्ट कहूँगा तो कुछ गलत बात नहीं होगी. वो पर्यावरण का संरक्षण करने में बिलीव करते थे, वो अपने से छोटों का, जानवरों का, सभी का संरक्षण करने में बिलीव करते थे. अभी वर्धा में क्या हो रहा है कि उन्हीं के आश्रम के सामने बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं एट द नेम ऑफ अर्बनाइजेशन, रोड चोरी करने के लिए. एंड इसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर युवराज कटकल को. मिस्टर युवराज कटकल, हेलो, जिंदाबाद. हाँ जी, जिंदाबाद. आपका वीडियो विजिबल नहीं हो रहा. हाँ, अब हो गया, ठीक है. युवराज जी, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि आखिर ये मसला क्या है कि ये वर्धा में जो पेड़ काटे जा रहे हैं, इसका मेन क्यों काटे जा रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा आप प्रकाश डालिए. सबसे पहले तो मैं संदीप भाई और सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की टीम को स्वागत करता हूँ. धन्यवाद तो हम सब घर के ही है कि इस प्लेटफॉर्म पे हमारी बात रखने के लिए हमें मौका मिला. एक तो एक लगभग 6 अगस्त से ये सत्याग्रह शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले 20 मार्च को कुछ युवा साथियों ने पहला निवेदन दिया और सिग्नेचर कैंपेनिंग किया, जबकि उस समय सारे देश में या दुनिया भर में भी मतलब कोरोना की जो लहर थी और उसके प्रभावित लोगों की मदद में हम सारे साथी जुटे थे. तो उस समय हमारा ध्यान रिलीफ के कामों में और प्रवासी मजदूरों को घर उनके सुरक्षित भेजने के काम में लगा था. उसी समय आश्रम के बराबर सामने वाला रास्ता, जो कि इतना चौड़ा करने की जरूरत नहीं थी, जो पेड़ यहाँ की एक निसर्ग सेवा समिति है उन्होंने 10, 12, 15, 20 साल पहले लगाए थे और कुछ उसके पुराने थे, जो स्वतंत्रता सेनानी के नाम से एक एक पेड़ लगाया था, उन पेड़ों को, पूरे पेड़ों को काट दिया. दूसरा टप्पा जो हुआ ये लॉकडाउन के कुछ अभी एक महीना पहले, उनका काम तेजी से शुरू हुआ क्योंकि 2 अक्टूबर के पहले उनको काम करना है. अब इसमें है कि दो प्रकल्प वहां है, एक तो सेवाग्राम विकास आरा खड़ा जिसका फंड मतलब सेंट्रल स्टेट मिलके आया है, और उसका काम क्या करना वो बदलता बदलता गया. और मेन जो काम है, जो रोड के वजह से पेड़ों को काटा जा रहा है, वो है स्टेट हाईवे. एक्चुअली फंड उसके सब प्लानिंग उसके नेशनल की ओर से आई थी और उसको स्टेट ने टेक ओवर करके उसको पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट उसका काम कर रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ. फाइनेंस तो उसका लगभग 90% से ज्यादा ये सेंट्रल का फंडिंग है, जो क्योंकि इसके ईदगर, ये स्टेट हाईवे के ईदगर 7 बाईपास है और 3 से 4 नेशनल हाईवे. इसमें एक समृद्धि जैसा बड़ा महाकाय जिसने बहुत सारे पेड़ों को और पहाड़ों को तोड़ के ये रास्ता बनाया है, जिसमें आम इंसान जा ही नहीं सकता क्योंकि उसकी हाइट ही 12 फुट जमीन से दूर है, इतना हाइट का वो रास्ता. तो
तो इसी तरह के नेशनल हाईवे वहां गए, और लगभग इसी बीच इसी श्रृंखला को जोड़ते हुए स्टेट हाईवे जो है बाईपास और शहर से निकलते बीच, इसमें से लगभग 50,000 पेड़ों को आज तक काटा गया है वर्धा के इर्द गिर्द। और अभी जो वर्धा शहर के आसपास में और वर्धा शहर से बाहर के तहसील ब्लॉक तक के जो स्टेट हाईवे जा रहे हैं उन रास्तों के लिए 2,000 पेड़ जो है बचे गए हैं, उसमें से इस रास्ते पे 170 पेड़ काटे जाने का प्रस्ताव था जिसमें लगभग 80 साल तक के पेड़ थे। हम ये मानते हैं कि सेवाग्राम बापू कुटी, आपने उसका जिक्र किया, जहां गांधी जी रहे उस रास्ते पे गांधी जी चले और उनके अनुयायियों ने साथियों ने ये पेड़ लगाए हैं और पेड़ देखे हैं और उनके बाद के भी। तो प्रशासन तो ये मानता नहीं, प्रशासन कहता है कि ये 10 साल से पुराने पेड़ थे, लेकिन इसका एक हमारे पास बहुत सारे सबूत भी आए। कुछ पुराने साथियों ने कहा कि हमने इन पेड़ों को देखा है, हमारे से पहले पेड़ है जो लोग आज 90 साल के ऊपर के। दूसरी चीज कि यहाँ की जो निसर्ग सेवा समिति है उन्होंने 20 साल पहले कुछ पेड़ लगाए थे जिसका चौपदरीकरण के रास्ते के हिसाब से, फिर भी वही वो भी पेड़ काट दिए गए हैं। तो प्रशासन झूठ बोलती है, लगभग 70 साल से लेकर 10 साल तक के पेड़ों को काटा गया है। अब कुछ जगह ऐसा है कि छोटे पेड़ छोड़े हैं और वहां बड़ा पेड़ जो है उसी लेन में आने वाला वो काटा गया है, तो इसके पीछे टिम्बर करप्शन भी है। दूसरी चीज है, और इसमें करप्शन तो ही है लेकिन एक प्रक्रिया होती है, पब्लिक हियरिंग इस प्रोजेक्ट में नहीं हुई। अब 2018 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 2018 में इसकी कार्यवाही शुरू हुई, तब से लेकर आज तक, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में पिछली सरकार जो थी उन्होंने ये किया कि ग्राम पंचायत से जो डायरेक्ट पीडब्ल्यूडी क्लियरेंस लेती थी, एनओसी लेती थी, वो ग्राम पंचायत और पीडब्ल्यूडी का नाता तोड़ के उन्होंने उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डाल दिया, जो कि आज तक नहीं होता था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट की जगह पे था लेकिन पीडब्ल्यूडी ने जो रोड एक्वाय के लिए जगह ली है उसके पेड़ काटने के लिए उस गांव की ग्राम पंचायत की एनओसी चाहिए रहती है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लेनी चाहिए थी, लेकिन आरटीआई के तहत भी हमने डॉक्यूमेंट मांगे तो वो किसी गांव से वो एनओसी नहीं ली गई। अब एक गांव से जो एनओसी मिली उस गांव के सरपंच ने एनओसी दी, गांव को उसके बारे में पता नहीं। तो इस प्रक्रिया के चलते गांव वालों ने भी और बाकी सारे सदस्यों ने मिलकर एक लेटर कलेक्टर को भी दिया कि हमारी जानकारी के बिना ये काम होना है हुआ है और इसकी चौकसी होनी चाहिए। बाकी दो ग्राम पंचायतों ने हमारे पास एनओसी ना देने का लेटर दिया और हमने दिया नहीं और हमें पूछा भी नहीं, हालांकि अधिकारी हमें कहते हैं कि हमारे पास एनओसी है और हो जाएगा, उसका कोई हमें ज्यादा ये नहीं। और दूसरी बात यह है कि पेड़ रास्ते के बीच तो कोई आता नहीं, कई कई ऐसे उदाहरण है, अगर बड़ा पेड़ हो और रास्ते के बीचों बीच आता है तो उसके दोनों साइड से रास्ते किए गए, ये उदाहरण शासन के पास ही है और ये देखे भी है, लेकिन इतने बड़े पुराने पेड़ काटने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये रास्ता जो शहर में ही है वहां जिस चौक में ये रास्ता खत्म होता है और चौक से 1 किलोमीटर दूरी पर आश्रम है और चौक में कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी का सेवाग्राम हॉस्पिटल जो बड़ा हॉस्पिटल है और उसके बाजू में एक कॉलेज है, और इस रास्ते पे इतना बड़ा रास्ता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसके आगे जो स्टेट हाईवे उन्होंने बनाया है इस चौक से आगे उसकी भी चौड़ाई उन्होंने कम की है बहुत जगह। सेवाग्राम आश्रम के आगे का जो 1 किलोमीटर का रास्ता वहां भी अभी उनकी रिक्वायरमेंट उनका जो प्लान था उसमें 16 मीटर का था, उसमें डिवाइडर 2 मीटर का और बाकी 7-7 मीटर के इस तरह से, लेकिन कुछ जगह उन्होंने 5.25 मीटर इस तरीके से भी रास्ता बनाया। तो हमारा सवाल आया कि फिर ये पेड़ काटने के लिए यहाँ क्यों इतना बड़ा रास्ता चाहिए, उस पर लोगों ने आवाज उठाई। 15 अगस्त को एक सत्याग्रह हुआ पेड़ों के पास चिपको आंदोलन की तरह, जैसा कि हम खड़े रहे 4 घंटा, उसमें 15 अगस्त को एक सम्मान रखा था जिसके लिए मुझे बुलाया था, वही समय मुझे 1 घंटे के लिए अरेस्ट भी किया पुलिस ने क्योंकि मेरे हाथ में पोस्टर था पेड़ बचाओ। अब पेड़ बचाओ और पेड़ लगाओ इससे कोई आंदोलन तो नहीं होता, ये तो हमारे हम स्लोगन है और हम पर्यावरण का काम करते हैं, तो हमने पोस्टर नहीं निकाला तो उन्होंने उनकी कार्रवाई की। लेकिन अभी रोज रोज कुछ एक्टिविटियां चलती है और देश भर से बहुत सारे संगठन और साथी ने इसका समर्थन किया है, और प्रशासन ने अभी उसमें का जो 1-3 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर का जो टप्पा था वहां के पेड़ काट दिए, सुबह सुबह आधे घंटे में वो पेड़ सफा हो गए। तो वैसे आवाज उठी, लोग आए और आगे की कार्रवाई रुका दी। अभी 70 पेड़ काटे हैं जो काटने नहीं चाहिए थे, और अभी जो पेड़ है उसमें से भी लगभग 120 पेड़ तो आराम से बचते हैं, उसमें से एक दो भी पेड़ काटने की जरूरत नहीं रहती। अगर काटना ही होगा तो एक का दूसरा पेड़ जाएगा जो इनको उनकी मेजरमेंट के हिसाब से अगर रास्ता बनाया जाए, लेकिन अभी हमारी मांग है कि उस रास्ते को, एक तो गांधी जी और उन विचारों का और उन समय का वारसा है वो जगह, उस जगह शांति पथ घोषित किया जाए
जो शांति मार्ग की तरह, क्योंकि कलेक्टर ऑफिस से लेके सेवाग्राम आश्रम तक ये मात्र 6 किलोमीटर का रास्ता है, उसमें भी 2 किलोमीटर के रास्ते में उनका काम लगभग पूरा हुआ है, कुछ पेड़ों को बचाते हुए और कुछ पेड़ों को काटते हुए, और 1.5 किलोमीटर में तो उन्होंने अभी पेड़ काट दिए है, और साथ रह गए 2 से 2.5 किलोमीटर की बात है जहां बड़े बड़े पेड़ है और वो बचने चाहिए, इसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। क्योंकि और साथ में वो पेड़ लगाने, अब गवर्नमेंट पॉलिसी से एक पेड़ काटेंगे तो 5 पेड़ लगाएंगे, लेकिन आज तक का रेशियो है वो 5 पेड़ लगाते अगले साल भी 5 पेड़ लगाएंगे, लेकिन पिछले साल के 5 पेड़ कहाँ गए ये पता नहीं चलता। क्योंकि सिर्फ पेड़ लगाना काम नहीं, पेड़ लगा के उसका रखरखाव करना और उसकी परवरिश करना ये भी जिम्मेदारी होती है, और ये आज तक कोई प्रशासन नहीं लेता, और स्थानिक संस्था है और स्थानिक लोग भी पेड़ बहुत लगाते, पेड़ लगाने के लिए हमारे पास एक ट्रेंड चल रहा है दुनिया में ऐसा मैं मानता हूँ, पेड़ लगा के फोटो खींचे जाते हैं, लेकिन बहुत कम प्रतिशत में उन पेड़ बचते हैं और बहुत कम प्रतिशत लोग हैं जो लगाने के बाद उसकी परवरिश करते हैं बच्चे की तरह। क्योंकि पेड़ हमें हवा देते हैं, पानी देते हैं, पेड़ से पर्यावरण, और यहाँ जो नीम के पेड़ है ये तो बहुत ही नीम और बरगद के पेड़ है जो अभी बचे है जो काटना नहीं चाहिए, इसके लिए हमारी मांग 2 मांगों के ऊपर, क्योंकि रास्ते की चौड़ाई कम करो जो जरूरत है, क्योंकि प्रशासन हमें कहता है कि एक्सीडेंट होते हैं रास्ते की चौड़ाई और यहाँ पॉपुलेशन बड़ा है, लेकिन हमारा अनुभव है और बहुत सारे तज्ञ मंडल ने भी कहा है आज तक तज्ञों ने कि जितने रास्ते बड़े होते हैं उतना स्पीड बढ़ता है और उतने ही ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, ये अनुभव से है और इसके उदाहरण भी सामने है, इसलिए इसको ज्यादा न बड़ा करते हुए जैसा है उस स्थिति में ही उसका काम किया जाए और हर पेड़ को बचाया जाए। लेकिन पेड़ बचते समय ऐसा भी नहीं कि पेड़ की पूरी जड़ तक खुदाई हो तो फिर 1 साल 15 दिन 1 महीना 2 महीना में वो पेड़ अपने आप से गिर जाता है, तो पेड़ की बॉटनिकली तरह से उसका ध्यान रख के उसको शास्त्रीय दृष्टिया उसका रख रखाव कैसे करे और पेड़ को बचाते हुए काम करे, इन मांगों के ऊपर हमारा सत्याग्रह जारी है। अगले 1-2 दिन में और एक मीटिंग लगेगी गार्डियन मिनिस्ट्री के साथ, क्योंकि ये यहाँ पे उनको 2 अक्टूबर के पहले काम करना है और 15 सितंबर तक का कॉन्ट्रैक्टर का डेडलाइन है, और इसलिए हमारी अभी 24 घंटे वहां हम नजर रखते हैं, ड्यूटियां लग गई ऐसे समझो लोगों की, 2-2 घंटे बाद हमारा फेरी चलती है कि क्या स्थिति है, काम क्या चल रहा है, और जो पेड़ों के लिए खुदाई की थी उन लोगों उन पेड़ों के पास भी हमने मिट्टी भरवा के ली है, लेकिन कहीं भी रास्ते हो अभी वर्धा के आसपास ही नहीं, तो हमारा ये मांग है कि अभी कहीं भी अगर पेड़ काटे जाते हैं रास्ता बनाया जाता है तो पेड़ अगर काटता भी नहीं है वो मीटर के बाहर आता है, लेकिन वो लगत से है और उसकी खुदाई से, तो पेड़ से लगत 2 मीटर दूरी छोड़ के खुदाई की जाए ताकि उसकी जड़े जो है जो उसका पोषण खींचने वाली जड़े है वो ऊपरी 3-4 मीटर में होती है और जो सबसे नीचे जड़ जाती है वो उसकी हाइट के हिसाब से होती है, लेकिन जो खाद मिलता है जो अनाज उसको मिलता है पेड़ को उसका वो खुराक मिलती है ऊपरी जड़ों से, और उन जड़ों को अगर खोदा जाए तोड़ा जाए तो 2-3-4 महीने ही पेड़ टूट जाते हैं, और वर्धा की तो ऐसी मिट्टी है कि यहाँ बड़े बड़े पेड़ लगाना मुश्किल ही है क्योंकि 20 साल का पेड़ की भी बहुत छोटा दिखता है, तो इसलिए पेड़ बढ़ाना और जो बड़े हुए पेड़ है उनको बचाना हमारा कर्तव्य है, इस मांग के साथ हमारा संघर्ष है। युवराज जी आपने बताया कि जो गवर्नमेंट वहां पे पेड़ काट रही है ये एक तरह से इलीगल है, बिकॉज इसमें ना लोगों की सम्मति ली गई है ना ग्राम सभा की सम्मति ली गई है जो कि फॉरेस्ट काटने के लिए पेड़ काटने के लिए एसेंशियल है, तो फिर अभी भी आप कह रहे हैं कि वहां पे काम चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर ने 15 सितंबर तक काम पूरा करना है, तो ऐसे आप क्या कोर्ट वगैरह को अप्रोच कर सकते हैं इस केस में कि स्टॉप लगा दिया जाए इसके लिए, आपने कुछ किया है इस तरह से एफर्ट? कोर्ट पे न्याय पे हमारा विश्वास अभी भी है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए आज की न्याय व्यवस्था में हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं जिस तरीके से, क्योंकि एनजीटी तो ये छोटे प्रोजेक्ट है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है उन्होंने मतलब ये प्रशासन भी एक तरीके से कायदे के 100 किलोमीटर के ज्यादा अंदर रहा तो एनजीटी की परमिशन या ईआई में वो नहीं आता है, तो ईआई नोटिफिकेशन या ईआई के जो भी कानून है उसमें उनको कोई पाबंदी नहीं है, तो उन्होंने ये जो रोड स्टेट हाईवे किया है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट निकला है वो 97.5 किलोमीटर का, तो ये टेक्निकली वहां जाता है, फिर उसमें भी थोड़े थोड़े ब्लॉक किए हैं। दूसरी चीज ये है कि आज काम शुरू है, अभी यहाँ के 2 जगह आरवी जो वर्धा का तहसील वहां भी कोर्ट के तहत ही पेड़ को बचाने के लिए कोर्ट का स्टे लाया गया है, लेकिन यहाँ चीजें थोड़ी अलग अलग होती जाती है क्योंकि यहाँ प्रशासन और राज्य शासन इनको रोड बड़ा करने में उनकी कुछ अपनी अपने मतलब है, इसलिए उसको कम करने की नहीं समझते, लेकिन
कोर्ट में जाने से पहले हम उनके ही उदाहरण उनको देते हैं, क्योंकि उन्होंने वही रास्ते में दो तीन जगह रास्ते का जो मीटर है 7 मीटर से कम 5 मीटर तक किए है। तो हम ये कहते हैं कि जब ये काम यहाँ हो सकता है प्रशासन लेवल पे, भले हो जिला प्रशासन करे या स्टेट गवर्नमेंट करे, तो वहां हो सकते तो कोर्ट में क्यों जाए हम, और हर बार बार हम कोर्ट में जाए, कोर्ट में उतना टाइम लगे और उस समय कोर्ट का डिसीजन आए तब तक ये काम रोके गया, नहीं रोकते हैं क्योंकि उनको करना है। अब जहां पेड़ काटे वहां उन्होंने काम चालू किया है मिट्टी भरना, लेकिन ये भी इसके साथ ही काम चालू किया है कि अगले आदेश तक कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। और हमारा निवेदन उनको दिया है कि कोई भी काम, कोई भी पेड़ को काटने की कोशिश होगी तो ये समिति को इन्फॉर्म किए बिना नहीं होना चाहिए, अन्यथा फिर से रास्ते पे हमें उतरना पड़ेगा। तो अभी वो चर्चा कर रहे हैं, उस प्रयासों में है, सकारात्मक प्रतिसाद आ रहा है कि रास्ता कम करते हुए। अब उसमें है कि कितने पेड़ जाते हैं पहले देखना है, उनका रीप्लान रीसर्वे हुआ है प्रशासन की ओर से, लेकिन हमारी ओर से भी कुछ एक्स इंजीनियर जो थे पीडब्ल्यू के, उन्होंने भी जो गांधीयंस है और उन्होंने भी मेजरमेंट निकाला और सारी चीजें प्रशासन के सामने रखी है। अगले 2 दिन में और क्या होता है देखेंगे, नहीं तो रास्ता एक तो लोकशाही का मार्ग है, रास्ते की लड़ाई वो तो हम लड़ रहे हैं, लोगों में भी अवेयरनेस आ रहा है, आज तक 5,000 से ऊपर सिग्नेचर उस रास्ते के बाजू से लोगों ने दी है और लोग आते हैं, हमने रक्षा सूत्र जैसा प्रोग्राम किया है वहां पे, और 5 सितंबर को भी हमारा कुछ ऐसा ही कार्यक्रम रहेगा जो पेड़ों के पास हमारा स्कूल भरेगा, तो आजू बाजू के बच्चे वहां आके पेड़ के पास, और उस पेड़ का स्कूल होगा, उस तरीके से हम एक्टिविटी करते हैं। लेकिन कोर्ट हमने आखिरी रखा है, अगर कुछ नहीं होता है प्रशासन और यहाँ की राज्य शासन अगर नहीं झुकती है, वो नम्रता से नहीं संवाद करती है और रीप्लान नहीं करती है तो कोर्ट है ही, लेकिन कोर्ट में जाने से पहले हमारे पास जो हाथ में रास्ते हैं, जो ताकत है, हम उसका उपयोग करेंगे। महेंद्र जी, आई थिंक मैं पूछूंगा, हमारे पैनल में और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, इफ दे वांट टू आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम यू। थैंक यू युवराज जी, एंड आपने बहुत अच्छी तरीके समझाया कि कैसे गवर्नमेंट एक लूप होल का यूज करके एक छोटे, मतलब जैसे 100 किलोमीटर का आपने बताया कि एनजीटी के पास जाता है, बट 100 किलोमीटर से नीचे करके कैसे उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बना के, तो कोरोना वायरस के काल में बिना बिना परमिशन लिए पेड़ काट दिए, और कैसे वो आगे भी उसको लूप होल यूज करके, लॉ का लूप होल यूज करके पेड़ों की कटाई चालू रखी हुई है उसने। एंड ये कहीं ना कहीं गांधी जी के प्रिंसिपल्स के भी अगेंस्ट है, बिकॉज गांधी जी अहिंसा के अगेंस्ट थे, एंड गांधी जी के आश्रम के सामने या पेड़ों के साथ हिंसा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत तो है। तो थैंक यू युवराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, धन्यवाद। एंड या एंड मैं आप समराइज करता हूँ पूरे सेशन को, तो टुडे वी डिस्कस टू टॉपिक, द फर्स्ट टॉपिक वी डिस्कस अबाउट बियाफ फ्लड एंड सेकेंड अबाउट वर्धा डिफॉरेस्टेशन। नाउ दीज टॉपिक्स मे सीम अनरिलेटेड टू यू, डिफॉरेस्टेशन एंड फ्लड, बट लेट मी क्लियर वन थिंग, that deforestation is the major reason for climate change, for global warming. Now, if this climate change is happening, the effect of flood, drought, the effect of cyclones, it has increased tremendously. And it is because of this impact that the millions of people are getting affected, especially in poor nations like India, like Africa, like Brazil. So on that note, I think we are good to go. And any last comment you want to say, Yuvraj ji and Mahendra ji? Anji. मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सिर्फ कि वर्धा में इन पेड़ों को बचाते हुए इस सारी पर्यावरण की काम के लिए एक वृक्ष बचाओ समिति, नागरिक समिति बनाई है, और ये उनकी तरफ से मैं एक आह्वान करता हूँ देश भर के साथियों को, जिसमें कल ही तुषार जी और इला गांधी इन्होंने भी वर्धा कलेक्टर को निवेदन लिखे है, लेटर लिखे है, उस तरीके से अपने अपनी जगह से अपने अपने प्रशासन की तरह मार्फत और डायरेक्टली भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टैग करते हुए आप इस वृक्ष बचाने का और शांति पथ की मांग का समर्थन करने की अपील, सॉलिडेटरी अपील आप एक करेंगे तो और भी इसका प्रभाव होगा। बस धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा संदीप सर से, अगर वो आके आपकी ये अपील कर सकें पेड़ बचाओ आंदोलन वर्धा के। नहीं, इसमें जो सिग्नेचर कैंपेन्स वगैरह चल रहे हैं उसमें तो हम लोगों ने साइन किया है, मेरे ख्याल से आप ही ने वो सिग्नेचर कैंपेन सर्कुलेट किया था। तो युवराज भाई, वहाँ पे जो भी पत्र वगैरह दिया जा रहा है उसमें आप
इको सोशलिज्म फ्रंट और सोशलिस्ट पार्टी इंडिया वगैरह का नाम दे सकते हैं, और बाकी अगर व्यक्तिगत चिट्ठियां भेजनी है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं इधर अपने प्रशासन के माध्यम से। हमको लगता है कि पेड़ों को बचाने के लिए जो सबसे कारगर तरीका रहा है 16वीं शताब्दी से लेके और अभी तक, वो जो चिपको आंदोलन वाला, उस तरह की कोई एक रणनीति अपनानी चाहिए कि जब वो पेड़ काटने के लिए आए तो वहाँ के खास करके महिलाएं उन पेड़ों को न कटने देने के लिए उनसे चिपक जाएं। हमें लगता है कि वो राजस्थान का जो मूल जो चिपको आंदोलन था और उसके बाद उत्तराखंड में जो हुआ, उससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें हमारे एक्शन प्लान में वो तय है कि हाँ अगर ऐसी नौबत आती है आधी रात में भी, वो हाँ कभी भी किस समय प्रशासन काम शुरू कर देता है, तो हम आके पेड़ों को चिपक जाएंगे, पहले हमें काटो फिर पेड़ों को काटो। ये तैयारी भी, और उस तरीके का ही हमने मॉडल 15 अगस्त को किया था कि हम पेड़ों के पास खड़े रहकर पोस्टर दिखा के। लेकिन फिर भी ये गुजारिश है कि व्यक्तिगत भी चिट्ठियां जाती है प्रशासन के पास तो उसका एक प्रभाव होता है देश भर से, और अभी इसका प्रभाव बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग भी चिट्ठियां डाल रहे हैं। मैंने एक अपील भी भेजा है, शायद वो आप एक बार देख लीजिए और उस पर सिग्नेचर करके आप, मैं ईमेल आईडी भी देता हूँ यहाँ के जिला प्रशासन का और महाराष्ट्र सीएम ऑफिस का, उस पर भी डायरेक्ट आप भेज दीजिए, और सीसी में वृक्ष बचाओ समिति का ईमेल आईडी देता हूँ, उसमें रखिए उसको सीसी। ठीक है, तो अंकित भाई ये चिट्ठी आप ड्राफ्ट कर लीजिए और हम सब लोगों की तरफ से ये चिट्ठी चली जाएगी। हाँ जी, ठीक ठीक है जी जी। तो अब किसी, अब आई थिंक हम काफी डिस्कस कर लिया हमने इसके ऊपर, अब किसी और को कुछ कुछ कहना हो लास्ट में तो वो कह सकते हैं, उसके बाद हम सेशन खत्म करते हैं इसको। ठीक है, फेसबुक लाइव भी हुआ है, अगर कोई सवाल भी आया हो तो उसको हम लोग ले सकते हैं। हाँ जी, मैं वही देख रहा था अभी, फेसबुक पे किसी ने कुछ कमेंट किया नहीं है क्वेश्चन वगैरह इस पे। हमारे खजूरिया जी अगर हो तो उनको 2 मिनट बोलिए, वो कुछ बोलेंगे। खजूरिया जी आप कुछ बोलिए। आई थिंक खजूरिया जी हैज लेफ्ट, नहीं है ईश्वर जी खजूरिया जी नहीं है तो वो, लेकिन शायद आवाज जा नहीं रही है। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि समय भी काफी हो रहा है। नहीं, खजूरिया जी का ऑन हो रहा है। हाँ जी जी, हाँ मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए ये बात कहूंगा कि जो आपने राय दी है वो एक बहुत ही अच्छी राय है कि हमें पिछले जितने भी संघर्ष हुए हैं उसका सबक सीखना चाहिए चिपको आंदोलन से। लेकिन मैं एक साथ ही न्यू नई पीढ़ी को थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज हमें नेचर और मैन के रिश्ते को समझना और समझाना पड़ेगा। हम क्या वस्तु हैं? क्या पेड़ कोई वस्तु है? क्या दरिया कोई वस्तु है? क्या इंसान कोई वस्तु है, कमांडिटी है? कैपिटल तो इसको कमांडिटी समझता है, कॉरपोरेट सेक्टर तो इसको कमांडिटी समझता है, यूज एंड थ्रो। लेकिन हम इसे क्या समझते हैं? हम अगर इसको अपना जीने का और अंतर्निर्भरता का रिलेशन समझते हैं कि हम इसके बगैर नहीं जी सकते और ये हमारे बगैर आगे नहीं डेवलप हो सकते, तो फिर हमारा रिश्ता इसका अमर्ण बन जाता है, हमारा अटूट रिश्ता बन जाता है। और ये लोगों को समझाने की जरूरत है कि कॉरपोरेट कैपिटल ने तमाम नेचर को, इंक्लूडिंग ह्यूमन काइंड को, एक्सप्लाइट किया है एज कमांडिटी टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट एंड यूज एंड थ्रो। इसलिए हमें ये बदलना पड़ेगा, हमें ये बदलना पड़ेगा कि नेचर और मैन एक कंपोजिट रिश्ता है और ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। आज नेचर की ये हालत हो चुकी है साइंसदानों के मुताबिक कि हम 31 जुलाई तक जो साल का एक साइकिल होता है, एक ईयरली साइकिल नेचर जो पैदा करती है, दरिया में रेता करती है, दरख्त करती है पैदा, जब कोई चीजें पैदा करती है, वो चीजें हम 31 जुलाई को खा लेते हैं और 1 अगस्त से हम अर्थ का रिजर्व खा रहे हैं। ये अर्थ कितनी सी है, छोटी सी है, ये अर्थ ही तबाह हो जाएगी। इसलिए हमें जो रास्ता है नौजवानों ने पकड़ा है, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूं
और जो हमारे साथ लग लिए इन्होंने कहा है हम साइन भी करेंगे और पूरा लिखेंगे भी और सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू ईश्वर जी, आपने बहुत ही अच्छी बात करी कि लाइक जैसे ह्यूमन के राइट्स होते हैं, हमारे राइट्स होते हैं, वैसे ही मदर अर्थ के भी राइट होते हैं। इंसान हर पेड़ के इमोशन होते हैं, रिवर्स के राइट्स होते हैं। हम रिवर को बोलते तो है गंगा माँ, यमुना माँ, बट कहीं ना कहीं मानते नहीं है, अपना सारा पोल्यूशन वहाँ छोड़ते हैं, नदियों में छोड़ते हैं, पेड़ काटते हैं। एंड कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी थोड़ी आई थिंक ब्लाइंड है इस चीज़ के लिए। जैसे हमने डिस्कस किया आज बिहार कट में कि गवर्नमेंट को पता ही क्ल्यूलेस है कि पता ही नहीं करना क्या है फ्यूचर में। सो आई थिंक ऑन दिस नोट वी कैन एंड द मीटिंग। मैं सबका दिल से शुक्र गुजार करता हूँ कि सारे इस मीटिंग में आए और सबने अपना सहयोग दिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।